हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग का। तो रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर रहेगा ये, राइट? तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, ए का क्या नंबर होता है? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। तो ये सारे नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ए से जेड तक। और इनके अपोजिट्स भी याद होने चाहिए, लाइक ए के अपोजिट जेड रहता है, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्लू, ई के अपोजिट वी। तो इनकी मैं ट्रिक्स बता देती हूँ आप लोगों को कैसे याद करना है। तो देखो, एक ट्रिक तो होती है इजोटी, अगर आपने ये सुना हो, 5, 10, 15, 20 और 25। ये 5 का टेबल हो गया इजॉटी। तो E का 5, J का 10, O से 15, T से 20, Y से 25। इतना आपको याद हो गया। अब इसके आसपास वाले भी आपको याद रहेंगे, जैसे E से पहले और E के बाद वाला, ठीक है। E से पहले D आता है तो D का कितना होगा? 4। E के बाद F आता है तो F का कितना होगा? 6। तो ये सारे नंबर्स याद हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। लाइक अगर आपको G का याद करना है तो G7 आपकी कंट्रीज होती हैं, तो G7 आपको ऐसे याद हो जाएगा। और H, H आप कैसे याद कर सकते हो? H को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको I को याद करना है तो I कर्सिव में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो I 9 हो जाएगा। और L, लिम्का की बॉटल पहले कितने की आती थी? 12 रुपीज़ की, जो कांच वाली बॉटल थी वो 12 की आती थी, तो राइट, तो लिम्का ऐसे याद हो जाएगा। T20, ये ऐसे याद हो जाएंगे। प्रियंका का करियर आपका कब स्टार्ट हुआ था? 16 में। रानी मुखर्जी का 18 में, राइट? तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। अल्ट्रा वॉलेट रेस 21, 22, राइट? और यहाँ पे W V के बाद आता है तो वो 23 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपनी ट्रिक से यूज़ करके याद कर सकते हो, राइट? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इनके अपोजिट कैसे याद करना है। इनकी भी ट्रिक कुछ बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, ए से जेड, ये सबको याद रहता है, ए का अपोजिट जेड होता है। बी का अपोजिट बॉय, बॉय से आप याद कर सकते हो, ठीक है। सी का क्रैक्स, डी का ड्यू, ई का ईवीएस से आप याद कर सकते हो। एफ का आप याद कर सकते हो फालतू, राइट, एफ और यू लास्ट में, तो फालतू। जी का आप ग्रेट, एच का यहाँ पे एच का हाई स्कूल, और ये आई से आर इंटर, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। के से पी कुर्ता पजामा, जे से क्यू जंगल क्वीन, एल से ओ लोटो, एम से एन, एम के बाद क्या आता है? एन, तो ये एम से एन का अपोजिट हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होंगी, और अगर आपको कोई ट्रिक बना पा रहे हो अपोजिट्स लर्न करने की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको ये याद करने हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एजुकेशन। अब क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोज़ को, राइट। एजुकेशन में हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें पेयर बनाने, राइट। तो ये कैसे बनाएंगे हम? जब हमें नंबर्स याद होंगे, राइट। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड ऑफ एजुकेशन विच हैज़ मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि पेयर्स ऑफ लेटर बताने हैं हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम में लिखा होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो यही सेम क्वेश्चन छापा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। ई का मैंने कितना बताया था? 5, डी का 4, यू का 21, सी का 3, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। अब कंटिन्यूस सीरीज में जिसके पेयर्स मैच हो जाएं वही पेयर बन जाएगा। जैसे कि 5 से स्टार्ट कर रही हूँ, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक भी मैच नहीं किया। 4 से स्टार्ट करो, 4 से आगे की तरफ चलेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, तो 5, 4 से 9 मैच कर गया,
ठीक है, तो एक पेयर बन गया। अब आगे चलते हैं, फिर भी आगे चेक करते रहेंगे हम 10, 11 और कहीं मैच नहीं हुआ। 4 से 21 से मैच करने की कोशिश करेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27। देखो 21 से यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर नहीं था आगे, तो ये कॉमन सेंस ही बात है, आगे पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, ये नहीं कि पेयर देख रहे हो सारे बना के, इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में। 3 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 1 से स्टार्ट करो, नहीं बनेगा, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं आगे। 20 से स्टार्ट करोगे, नहीं बनेगा। 9 से स्टार्ट करोगे, नहीं बनेगा। 15 से नहीं बनेगा, 15 से बड़ा नंबर आना चाहिए तब बन सकता है। अब देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक पेयर बना। बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करते हैं, 14 से स्टार्ट करो, 14 से 15 एक पेयर बन रहा है। अब 14 से ही हम सारे नंबर चेक करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि 14 से एक पेयर बन गया तो अब आगे चेक नहीं करोगे, आगे भी चेक करने हैं। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। अब 15 से चेक करो, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 9 से चेक करो, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। 20 से भी नहीं बनेगा, 1 से बन सकता है, 2, 3, 4 तो 1 से एक और पेयर बना। ठीक है, 2, 3, 4, 5 1 से एक और पेयर बन रहा है, 1 से 5। ठीक है, अब देखो 3 से चेक करो, 3, 4, 5 नहीं बना, 21 से भी नहीं बनेगा, 4 से बनेगा, 4 से 5 तो कितने पेयर बन गए बैकवर्ड में, 1, 2, 3, 4 तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 पेयर। तो इनको हमें ध्यान में रखना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, बाकी ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और बिल्कुल भी आंसर्स नहीं देते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो इसका क्वेश्चन, ये जो पेयर है ट्रिबल, इसका मुझे आंसर चाहिए ट्राइबूनल का। ठीक है, अब हम एडजस्टिंग का देख लेते हैं एक और बार, जिसको नहीं समझ में आया होगा तो उसको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जो मैं एग्ज़ाम में आते हैं, हर शिफ्ट में ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखो ए से स्टार्ट करो, 1, 4 जे का कितना होता है आपका, 10, 21 एस का 19, 20, 9, 14, 7 राइट। अब हमने नंबर्स देख लिए, तो क्या करेंगे हम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहीं पे भी मैच नहीं हुआ है। 4 से चेक करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 तो 4 से 9 मैच कर गया। आगे देखेंगे 10 से देखो, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं हुआ। 21 से चेक करो, 21 से बड़ा कोई नंबर नहीं है तो नहीं बनेगा पेयर। 19 से 20 बन रहा है राइट, 21 आगे मैच नहीं होगा, ना ही 19 से होगा ना ही 20 से होगा। 9 से करो, नहीं हो रहा है, 14 से भी नहीं होगा। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, 8, 9, 7 से 9 अभी तक 3 पेयर बने हैं, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। चलो आगे चलते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा। 14 से चेक करो, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा है। 9 से चेक करो, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा है। 20 से बड़ा नंबर कोई है नहीं, है लेकिन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे होता तो बन जाता पेयर। 19, 20, 21 नहीं बनेगा, 10 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, तो टोटल 1, 2, 3 पेयर बन रहे हैं। अब मुझे इसका आंसर देना कितना आएगा कमेंट सेक्शन में ट्राइबूनल का, ठीक है, सबके सब आंसर देंगे मुझे। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने मैं करा रही हूँ, डायरेक्टली एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आज आपने आज की क्लास छोड़ दी तो आपके हाथ से सीधे सीधे 5 नंबर चले जाएंगे। तो इस आज का वीडियो ध्यान से देखना है, और मैंने 2 वीडियो करा दी हैं क्वांट के, क्यूब ऑफ अ नंबर और स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जिसने भी नहीं देखे हैं, आई बटन पर लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, जाके उन वीडियोज़ को भी चेक कर लेना राइट। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। अब इसका मीनिंग क्या है मैं समझा देती हूँ, कितने कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, जो
इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय, प्रेसिडेड का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, नंबर से, प्रेसिडेड बाय नंबर, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ किससे, लेटर, मतलब लेटर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेटर के जगह पे कोई भी हो सकता है। देखो प्रेसिडेड मतलब कॉन्सोनेंट से पहले, फॉलोड मतलब कॉन्सोनेंट के बाद, तो ये जो टर्म है ना प्रेसिडेड और फॉलोड, ये ना आपको दिमाग में रखनी है। प्रेसिडेड का मतलब पहले, फॉलोड का मतलब बाद में, सी कॉन्सोनेंट जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से वो पेयर्स हैं चेक करो यहाँ पे। देखो सबसे पहले कॉन्सोनेंट चेक कर लो यहाँ पे, कॉन्सोनेंट से पहले जो नंबर्स हैं, देखो यहाँ पे के कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से पहले नंबर है। अब कॉन्सोनेंट्स के बाद लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक पेयर तो ये बन रहा है, ठीक है। आगे चेक करते हैं और कहाँ पे आपके नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, नंबर है यहाँ पे वोवल आ गया, तो ये कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये हटाओ इसको। फिर नंबर को चेक करो, एक नंबर यहाँ पे दिखा, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे लेटर की जगह नंबर है, तो ये भी आपका एक पेयर बन गया। उसने बोला नॉट फॉलोड बाय लेटर, इसको ध्यान से देखो, नॉट फॉलोड बाय लेटर, अगर यहाँ पे लिखा होता फॉलोड बाय लेटर तो यहाँ पे लेटर होगा, बट लेटर की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉट फॉलोड बाय लेटर का मतलब सिंबल भी हो सकता है, आपका नंबर भी हो सकता है, या फिर आपका कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस लेटर नहीं होना चाहिए, ऐसे पेयर बताने। अब एक और यहाँ पे नंबर देखो, ये नंबर है, यहाँ पे नंबर नंबर दो दो नंबर हो गए, तो ये पेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर दिखा, कॉन्सोनेंट भी दिखा, और यहाँ पे नंबर दिखा, लेटर नहीं है, ठीक है, लेटर के लिए उसने मना किया, तो ये भी आपका एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखो, नंबर दिखा, कॉन्सोनेंट दिखा, और यहाँ पे लेटर दिख गया, डब्ल्यू हमारा अल्फाबेटिकल लेटर ही तो होता है, तो ये आपका पेयर नहीं बनेगा। तो कितने पेयर हो गए, एक दो तीन, तो यहाँ पे थ्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले वीडियोस में हम बहुत फास्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपका बेसिक्स पार्ट कवर हो रहा है, ठीक है, बाद में मैं इतनी धीरे धीरे नहीं करूँगी, आपको उतनी जल्दी जल्दी आंसर्स भी देने होंगे, राइट। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो इसमें क्या ट्रिक लगेगी वो मैं आपको बताऊँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट, इसका आंसर मार्क कर दिया ना हमने, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो ये इतना कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है, इतना कन्फ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन होते हैं, इनको पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ पढ़नी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो उनको सिर्फ दो चीज़ पढ़नी है। यहाँ पे देखो लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेफ्ट किसके, थर्ड के लेफ्ट में, टेंथ के लेफ्ट में। अब देखो दो डायरेक्शन दे रखी हैं दोनों लेफ्ट में, ठीक है, यानी कि सेम दे रखी हैं। जब भी आपको सेम डायरेक्शन दे रखी होंगी तो उसमें हमेशा जो नंबर्स दे रखे होंगे वो माइनस होंगे, राइट, चाहे यहाँ पे राइट राइट हो, अगर राइट राइट भी होता तो भी माइनस होता। अब इस पॉइंट को नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी नोटबुक में, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि अगर यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट दे रखी होती, लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, ऐड होते वो नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सेम दे रखा है लेफ्ट और लेफ्ट, तो थर्ड यानी कि थ्री, टेंथ यानी कि टेन, तो टेन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, थर्टीन। बट यहाँ पे दोनों लेफ्ट लेफ्ट दे रखें तो दोनों सेम में मैंने क्या बोला था, माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, सेवन, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हमें डायरेक्शन पता है कि दोनों लेफ्ट हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन हुई लेफ्ट, तो सेवन से लेफ्ट काउंट कर दो, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट होगा और यहाँ से राइट होगा, तो यहाँ से काउंट करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा आप लोगों को मैंने क्या किया है, देखो सेम डायरेक्शन दे रखी थी, मैंने दोनों नंबर माइनस किए, मेरा आया सेवन। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन दे रखी हैं लेफ्ट की, तो लेफ्ट से ही काउंट कर दिया मैंने सेवन को, तो क्या आ गया, ई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को बताऊंगी, उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो इसमें बोला है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मैं मतलब बता देती हूँ, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्ज़ाम में पढ़ना है, बस आपने इतना पढ़ लिया ना, बस समझ जाओ कि क्या करना है। देखो क्या करना है इसमें कि चार ऐसे ऑप्शन होंगे जो सेम रहेंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो डिफरेंट रहेगा, हमें उस एक को ढूंढना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले टू वी क्यू को चेक करो, टू यहाँ पे प्लस टू, वी से क्यू कितना 1 2 3 4 -4, देखो एक पेयर तो ये मिल गया हमें, ठीक है। जे एफ सी, अब ये जितने भी पेयर्स होंगे ना इस वाले पैटर्न को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करेंगे बाकी सारे एक जैसे होंगे, अगर ये अलग होगा तो उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ अभी आगे। अब इसको देखो जे प्लस टू एफ -4, यही आपका पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। 165 को चेक करो, 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे, यानी कि प्लस टू हो रहा है, 1 से 6 प्लस टू, और 6 से 1 आपका 1, 6 से 1 आपका कितना हो रहा है -4, चेक करो 1 2 3 4, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। टी पी परसेंटेज देख लो, यहाँ पे टी है प्लस टू, पी से परसेंटेज कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 -5 हो रहा है, बाकी प्लस -4 -4 हो रहे हैं, ये -5 हो रहा है, तो आपका आंसर यही होगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो कर लो, अदरवाइज़ एक ही आंसर होता है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपका डिफरेंट पैटर्न मिले किसी भी पेयर में, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि कौन एक जो है वो डिफरेंट है बाकी सबसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, देखो हाउ मैनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज़ इमिडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, फॉलोड बाय अ लेटर मतलब एस के बाद आएगा, इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, प्रेसिडेड मतलब कॉन्सोनेंट पीछे आएगा। अब आगे देखो सिंबल चेक करो, सिंबल आपको ये दिखा, सिंबल के बाद क्या लेटर है, हाँ है, सिंबल के बाद क्या कॉन्सोनेंट है, हाँ है, ठीक है। तो एक तो पेयर ये हो गया, दूसरा चेक करो सिंबल है, सिंबल के बाद आपका लेटर है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, ये भी चेक हो गया। सिंबल देखो, सिंबल के बाद आपका नंबर है, तो ये आपका पेयर नहीं बनेगा। ये सिंबल है, सिंबल के बाद लेटर है, इससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवल है, ठीक है, यू आपका वोवल में आ जाता है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब ये सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो कितने पेयर बन गए, दो, तो टू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अब ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो लेफ्ट है और क्या है राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट आ गया और राइट भी आ गया, यानी कि डिफरेंट आ गया। अब डिफरेंट में लेफ्ट और राइट अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो ऐड कर लो सेकंड यानी कि टू और फिफ्थ का, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। अब देखो डायरेक्शन कौन सी लेंगे, जिसके पास बड़ा नंबर है, लेफ्ट के पास सेकंड है, सॉरी राइट के पास सेकंड है और लेफ्ट के पास फिफ्थ है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, राइट के पास सेकंड टू द राइट, तो राइट के पास सेकंड है और लेफ्ट के पास फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट फिफ्थ है, यानी कि 5 है लेफ्ट के पास। तो किसके पास बड़ा नंबर है, लेफ्ट के पास बड़ा नंबर है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में देख लेंगे, ये आपकी ट्रिक रहेंगी। तो 7 से लेफ्ट चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आप ट्रिक्स मैं रिवाइज़ करा देती हूँ फिर से। देखो सबसे पहले आपको आज क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद करना है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल अपोजिट्स याद करना है। थर्ड चीज़ क्या करनी है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करने हैं। फोर्थ, डायरेक्शन में लेफ्ट प्लस लेफ्ट या फिर राइट प्लस राइट, तो आपको हमेशा जो नंबर्स दिए रखे हैं उनके सब्ट्रैक्ट करने हैं, और डायरेक्शन भी आप वही लेके चलोगे, अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट लेके चलोगे, राइट राइट है तो राइट लेके चलोगे,
फिफ्थ ट्रिक आपकी क्या थी, अगर डिफरेंट है, लेफ्ट प्लस राइट है, तो एडिशन होगा और क्या होगा, उसी को फॉलो करोगे जिसके पास बड़ा नंबर होगा। अगर राइट के पास बड़ा है तो उसको फॉलो करोगे, और अगर लेफ्ट के पास बड़ा है तो उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ टिप्स रहेंगी जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनको वापस से एक बार करके देखना, तभी मैं आगे बढ़ूँगी। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूँगी जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उन सभी को सॉल्व करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके 5 मार्क्स आपके हाथ से चले जाएंगे। ठीक है, आज का बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे फॉलो कर लो टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस पेपर डाल दूँगी आज चैप्टर 1 के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ पे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो वीडियो अपडेट्स के लिए। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है तो, और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।